अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंथ लंदन। मोहब्बत जिन जे मन में तिन तशंगी तार पी प्यालो उन जो उन सी उन उथ्यार पुनहु पान प्यार तो उन सी उन उझाया। भलारे भिटदण जे भलारे बैत सा मुझी आवाज मुसाफिर रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन ता थी दुनिया जी कुंड कुड़छ ताई जहाँ जहाँ माग बुझे पे उन मिर्णी मेहरबान के सिख भर सलाम शाल कबूल पवे। 21 मई 2023 सारी सब जमार हारन के हक जाखोड़ींदड़ बाबा सिंध हैदरबख्श जतोई की वर्सी के मौके ते खास प्रोग्राम खड़ी आऊँ अवा खिदमत में हाजुर अवजो मेज़बान हबीब लगारी। प्रोग्राम की शुरुआत में अमल यही दुआ शाल जित हो सुख सलामती सा हो कदें भी दुख न ऐसो कदें भी अवाज मुर्कू अमेर न थियन। दुनिया की कुंड कुड़छते जिते भी रहो सिंध लाए सिंध वासन लाए दुनिया के मसलूम मानन लाए जाखोड़ींदा रहो शाल अवजा ख्वाब तबीर से लाव लही सघन। साई मुझा बाबा सिंध कामरेड हैदरबख्श जतोई 1 अक्टूबर 1901 गोठ बखुदेरो तालके डोकरी जिले लाड़काने में एक गरीब हारी अलहदाद जतोई के घर में जन्म वरतो। उन इब्तदाई तालीम पंजे गोठ भरसा वाक्य गोठ पठान के प्राइमरी स्कूल में हासिल कई। उन 1 साल में 3 दर्जा पास करे वरता। फेबरवरी में इम्तहान दई 6 महीनों में बो क्लास पास करे जल्द फाइनल पास करे वरताई। 1918 में सजी सिंध में फाइनल में पेरों नंबर खयाई मुसलसल स्कॉलरशिपू हासिल करे लाड़काने मदरसे गवर्नमेंट हाई स्कूल लाड़काने में 1923 में मैट्रिक इंटर करे बीए 1927 में बम्बई यूनिवर्सिटी में पास करे हेड मुंशी मुकर्र थियो। बाद में रेवेन्यू जो इम्तहान पास करे सजी सिंध में मुख्तियार कार वाले इम्तहान में पेरों नंबर हासिल कयाई। कामरेड हैदरबख्श जतोई सा मुख्तलिफ तरक्की पसंद ख्याल जहा दानश्वर लह विचड़ में आया। 1928 से 1930 जमशेद नसरवानजी की सरवाणी में कामरेड अब्दुल कादर डॉक्टर नज़ीर हुसैन हैदरी साई जी एम सैद शेख अब्दुल मजीद सिंधी अब्दुल कादर निज़ामाणी बिन हारिय तहरीक के वधायो। 1941 धारे हैदरबख्श जतोई सरकारी नौकरी में बेजार थी पो जो हमदर्द हायरन से शामिल थी वो। 1944 से 1945 बी महाभारी वेढ़ का पे जडे डिप्टी कलेक्टर मुकर्र थो तो उन गुलामी के गट में कंध कढ़ी इस्तीफा डी खेस जल्दी हारी कमेटी जो सदर मुकर्र वो। उन सजी सिंध में हारी तहरीक के जोर वठायो तहरीक जो ऑफिसू खोले उनके सरगर्म कयाई। एतरे कदर जो हुकूमत थरथले में अची वही। बाबा सिंध हारी के बटई जो जिमीदार का हक दियारण बाबत कानून सिंध टेनसी एक्ट ठाए सरकार के हवाले कयो पर असेंबली में बिल पास करण का जिमीदार मेंबर इनकार करे वेठा। 3 अप्रैल 1950 ते स्ट्रीट पावर जो पेरों भेरों मुजाहरो कयो वो। हारिन असेंबली आडो टेनेंसी एक्ट के हक में मुजाहरो कयो अड़ी रीत अवामी दबाव आडो असेंबली मेंबर मजबूर थी पाया उहो बिल पास कयो वो। 11 नवंबर 1954 ते उन वन यूनिट मुखालिफ में सिंध सरकार जो नाइंसाफियों नाले से किताब तहरीर कयो। पाकिस्तान बचायो वन यूनिट टोड़ियो पाकिस्तान में जमहूरियत या आमरियत 24 अक्टूबर 1954 ते आइन साज असेंबली के ख़त्म करण खिलाफ डेमोक्रेसी एंड इनजस्टिस ऑफ द चीफ जस्टिस नाले किताब तहरीर कया। 12 नवंबर 1967 धारे उन दानश्वरन के वन यूनिट खिलाफ़ सडे दिनों। उन अलावा तोहफतुल सिंध जी सिंध नाले नज़म लिखाई। 1969 धारे वन यूनिट खिलाफ दस्तखती मुहिम हलाई। ही मर्द मुजाहिद 21 मई 1969 ते इन फानी दुनिया में लाड़ानो करे वो। हुआ अक्सर यो बैत झुंगारींदो रहंदो हो जबल मारे जख जे आडो अजीबन जे तोड़े लके लख त सब लंघंदस सिक सा। कामरेड हैदरबख्श जतोई के भेटा पेश कदें तनवीर अब्बासी लिखियो हो जिंदगी जदोजहद अणथक सफर जिंदगी मेहनत कहीं हारी जो हर बेसबब मेहनत नजह जो अंत को जिंदगी कुर्बानी जो मोर को जिंदगी हैदर जी पीड़ा जा अजीम जिंदगी शय दर्द उन जे खां अजीम जिंदगी बेफल चंगाई आ हिका जा करम भी पाण फल भी पाण आ खलक जी खिदमत का वड़ छा बंदगी
जिंदगी बाबंदगी ताबंदगी। जैब आकलिया लिखियो, जमाना जैके तू कैदी कंदो हुए, उह मर्द खुदा आज़ाद थी वियो। होस मारिन अमीरन के बुधायो, त हैदर बख्श जिंदाबाद थी वियो। नामियारे लेखक गुलाम मोहम्मद गिरामी बाबाए सिंध हैदरबख्श जतोई के भेटा पेश कंदे लिखियो, बाबाए सिंध हैदरबख्श जतोई हैदर जी असीम आदर्शी शख्सियत, उन्हें तारीखी आदर्शी इंसान में शुमार करे सके थे, जिनके तारीख साज चयो अवियो आहे। हैदर जी इनकलाबी आदर्शी शख्सियत पंजे इल्मी अमली जदोजहद जे ख्याल खां मुझे नजरिया तहकीक मूजिब दोदे दरिया खान जी हम पाया शख्सियत आहे। दो बादशाह हो, दरिया खान वजीर अजम, सलार जंग हो, वटन वसीलन जरियन की का भी अणाठ कान हुई। उन मुकाबले में हैदर जमाने के जरूरत के ख्याल खां तोड़े जाहरी वसीलन जरियन के लिहाज खां आज़ाद भी हो, मुस्तगनी भी हो। दरिया खान दोदे की अजमत उन मुजाहिदाना किरदार में मुजमिर है, जो किरदार लश्कर फौजन सामान दौर की मौजूदगी में अदा किया वो। पर हैदर जो किरदार ज़ाहरी तौर ते न लश्कर फौजन जो मुहताज रहो, न साज सामान जो घुर्जाव रहो। हैदर न दौलत सरमाए जो मुहताज रहो, न इनकलाब पसंद साथियों जो मुहताज रहो। हैदर पूरी जिंदगी के दिल दिमाग कलम इलम के हथियार से जिहाद कदे गुजार। लश्कर हथियार साज सामान दौलत जरिया फ़क्त चार हुआ, दिल दिमाग कलम इलम। इंसानी तारीख में तमाम थोड़ा तारीख साज इंसान नजर अचन था, जे तन्हा नमूने में तारीख साज मयार इक्तदार जा हामिल रहा। हैदर भी अड़न तारीख साज इंसान में शुमार कर सकजे तो। जदीद नफ्सियात जानुन किनाजीम शख्सियत के गैर मामूली सलाहियत अमल किरदार इखलाक आदर्श के ख्याल का अबकरी जीनियस करार दिनो है। उजे दौर का गोया सदियों अग था पैदा थियन, उन जो किरदार पैगाम हाल का सदी खन पोए वारे दौर ले इनकलाबी आदर्शी नसबुलायन करे कबूल कयो वने थो। हैदर जे जीनियस शख्सियत में अबकरियत जा लाजवाल आदर्श नकूश मिलन था। हैदर इलम जदीद कदीम जो पंजे मुआसर दोस्तन का वड़ो आलम करे मनो वो है। हैदर शायराना दिल दिमाग वारो हसास सबाजो इंसान हो। हैदर तहरीर तकरीर के मैदान में शोला खेज बातल सोज बयान जो मालिक हो। हैदर इखलाकी हैसियत से बुलंद किरदार शख्सियत जो आइनादार हो। संस फ़क्त एक रूप हो, इबन वक्त अगवान ने कौमी खिदमत गुजारन के दवान वाले बहरूप का घणो बुलंद हो। हुआ सियासी लीडर न हो, पर एक किस्म जो मुसलह रिफार्मर हो। उन करे संस हक गोई हक पसंदी में को भी फरेब रेब न हो। हैदर लातमा हो, मर्द कलंदर हो। कैस जाती शोहरत मकबूलियत जाती तारीफ तोसीफ जाती वड माणपाई जाती वजाहत सदारत इमारत का नफरत हुई। हैदर दरवेश सिफत हो, संस इखलाकी ओसाफ सूफियन दरवेशन तारकन जाहिदन वारा हुआ। संस लटो कपड़ो भी सादो, उथण वेहण भी सादो, मान सा मिलन जो ढंग भी सादो, सफर में भी सादो, त हिजर में भी सादो। उहा सादगी संस फितरी इखलास में पैदा थी हुई। जदीद नफ्सिया के माहिरन की राय मूजिब उन किस्म जो इंसान पंजे तिबी जबलत मूजिब पंजे जमाना साज दौर उन दौर के मुनाफकानी वजहदारी के खिलाफ हकीकत पसंद सालियत पसंद सदाकत पसंद इखलाक पसंद थे तो। हैदर में न ठठ ठांगुर ढिठोसी न आकड़ शाकड़ ढिठीसी। हैदर में न नफाक ढिठोसी न रेब फरेब ढिठोसी। हैदर जा भी गाल कई सा सोरहाना सची पोए वहा कड़ी छो न हुजे। सच था मर्द चवन कंखे वणे न वणे, तख्तदार ते भी हक चयाई, जेलन में भी हक चयाई, मार्शला के दौर में भी सच चयाई, कोर्टन में भी सच बुधायाई, मरदे दम तई सच चयाई। सिंज ही नाजीम सूर्य सुरमे जो बयान तोड़े तहरीर अमल तोड़े किरदार सब सच के मरकज से कायम रहा। हैदर की शख्सियत की तश्कील तमीर में अड़ा इखलाकी अनासर किए पैदा थिया, वो एक जुदा बहस है। अगर मुख्तसर तौर चाहिए तो रुगो ये चई सके तो हैदर उन दरवेशानी मसलक वारे खानदान के सिलसिले की पैदावार है।
जै मसलक मज़हब के फ़लसफ़े हयात तोड़े फ़लसफ़े तसोफ़ में वही हैसियत हासिल है। हैदर जो फ़कीरानो ख़ानदान सिंध करोड़न हाकमन की सैर वर्दी तरीके से वाबस्ता रो है। करोड़ा हाकिम फ़कीर भी हुआ हाकिम भी हुआ फ़िक्र फ़िक्र सोज ए समाज साहिब हुआ। लतीफ़ खूब फरमायो है डीहा डोरन डथ सी रातियों कन रिहाण उम्र तिनी कान मुझो रूह रड़ियों करें। फ़क्र इखलास जोहद तर्क दुनिया खल्क की खिदमत इंसान से मोहब्बत तसोफ़ जो उहो आलमगीर जैके नफ्सिया जा माहिर भी मनन था। हैदर में तवारस की राह का अड़ा औसाफ़ आसार मौजूद हुआ जिन खेस दौलत के फरेब वजह की कशिश में काबू न कयो। हैदर मन की दुनिया में मस्त रहो बो तो हैदर की अवायली जिंदगी मौलाना रूम के अलामी जज्बात फ़लसफियाना वारदात से तश्कील पजीर थी। रूमी फ़क्त मगज़ ए गर जो कायल है हुआ मजहबन के बाहरी रस्मी खलते मगज़ के तरजीह थो रे उन तरह रूमी मजहबन उनके मामूलत रसूमात के फ़क्त वसीलों जरियो करार थो दे खास मकसद खास आदर्श ले मखसूस कया व्या। हैदर मौलाना रूमी के उन नजरे जो जिंदा मिसाल हो जदीद इलम भी पढ़ियाई कम्युनिज्म सोशलिज्म भी मुताल कयाई पर मजहबियत ला मजहबियत के दायरे में रहंदे रूमी के चवण मूजिब हमेशा मगज़ ए हकीकत जो गुलाब रो रसम खल का दूर रो। हे अस चूंड वर्क पेश कर रहासी जो लिखल हुआ गुलाम मोहम्मद गिरामी जहाँ अवी बुधी रहा आयो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन हारण लय जाखोड़ींदड़ नामियारे अगवान बाबा सिंध कामरेड हैदर बुश जतो की वर्सी से असी अवज समातन की नज़र कर रहा आयो खास प्रोग्राम इन प्रोग्राम सां आवं मुखातिब आज मेज़बान आया हबीब लगारी। बाबा सिंध हैदरबख्श जतोई के शायरानी भेटा पेश करे थो फतेह अली हलीम लगारी। गरीबन जी बुडल बेड़ी जो लंगर हो त हैदर हो अयामे बेकसी में भी तवंगर हो त हैदर हो सतायल सितम जो हारी मथे जहजे पयल वारी उन्हीं जे लाए रतहारी कफन सर हो त हैदर हो कहीं बागी चयो थे कहीं कैदी सदा सडियो कहीं बागी चयो थे कहीं कैदी सदा सडियो मगर आज़ाद इंसान जो पयंबर हो त हैदर हो असांजी माओ आ सिंधड़ी उन्हीं जी सींध ता सदके अमर जी सींध सुरही जो ज सींधर हो त हैदर हो गिची दोहरी जके दाणा लखें लालू पयूं लटकन मगर सिंधड़ी जी सीरत जो जे गोहर हो त हैदर हो अयूबी दौर जा दड़का बराबर बाह जा भड़का अयूबी दौर जा दड़का बराबर बाह जा भड़का समें लाशा पे लड़किया बहादुर हो त हैदर हो फतेह अली फोत खां पोए जतोई जी मौत खां पोए डे पियो दाद दुश्मन भी जे दिलबर हो त हैदर हो गरीबन जी बुडल बेड़ी जो लंगर हो त हैदर हो अयामे बेकसी में भी तवंगर हो त हैदर हो। कामरेड हैदरबख्श जतोई जे विछोड़े ते कैस शायरानी भेटा पेश कदे नामियारे शायर लेखक खाकी जो ये लिखियो हो सिंध आह भरी उछंगार डिनी कह मर्द खुदा मुँह मोड़ियो वा वीरान डिसा थो बाग वतन चो बाद सबा मुँह मोड़ियो वा ए सिंधु तुझे सड़कन ता जह वक्त जडें भी गुजरिस थे हर वण टिण वाई वात बुधम कह रहन मा मुँह मोड़ियो वा मु सिंध अमर जा सड बुधा जे सुरकन साण सलहाड़िल हुआ अज आऊं अकेली आया छो तो मुझा बचा मुँह मोड़ियो वा ही मारू मुल्क मलीर छड़े तू वींदे केड़ी वाट वठी माँ चौंत सगोढ़ गाट भरे छो दर्द दवा मुँह मोड़ियो वा इन ऋण पट में ए राही की ही साथ सवेरो टोली थो तो भिट धणी जे भाणन खां छाकाण भला मुँह मोड़ियो वा मुँह लथल हुआ मुँह कारण जा हुआ साह सधीर संघारण जा ॾिस वेस वसण जा हीअं करे गंघोर घटा मुँह मोड़ियो वा ही कूड़ जारियल काक महल हिकु ॾींहुं ॾिसने नेठि ॾटल
परवाह ना है खाकी का जे अहल वफा मुंह मोड़ियो आ सिंध आह भरे ओ छंगार डिनी कह मर्द खुदा मुंह मोड़ियो आ। पाकिस्तान जिंदाबाद के उनवान हेठ बाबा सिंध हैदरबख्श जतोई खूबसूरत नज़म में लिखे तो भरियो भल कैद खानन के कयो काबू जवानन के मरायो मेहरबानन के निहोड़ियो नुक्ता दानन के उझायो शमा दानन के छड़ियो काटे जुबानन के पढ़ो कौमी तरानन के त पाकिस्तान जिंदाबाद। जमीनू डो वडेरन के कढ़ो हारिन किसानन के जिए सुन्या बुखा सिकन सुकन रोटिन नानन के मजदूरन के छड़ियो मारे मटियो तनजे निशानन के हलायो कारखानन के त पाकिस्तान जिंदाबाद। अमलदारन जे शाही के बपा कियो आई बहानन के डियो वागू सभी वागुन के आई रिश्वत सतानन के त माड़ियूं आई महल ठाहिन जे पहुचन आसमानन के फिटायन अदल खानन के त पाकिस्तान जिंदाबाद। ए शागिर्दो ॾिसो दुनिया जे शागिर्दन जवानन खे वॾे हिकु इम्तिहान ख़ातिर छॾे ॾियो इम्तिहाननि खे बनायो पंहिंजी नई दुनिया भञो सभु भूत खानन खे मटियो नक्शन पुराणनि खे त पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ए सिफ़ नाज़िक अथो ऐं छॾियो सिंगार गाननि खे दलेरी सां ऐं हुरियत सां ॾियो शह पहलवाननि खे ॾियो सिर पंहिंजे बचड़न ते जवानी ॾियो जवाननि खे छड़ियो रक्सन के गानन के त पाकिस्तान जिंदाबाद। ही आपे खान ही सुल्तान छाछा था कढ़न फरमान ही आपे खान ही सुल्तान छाछा था कढ़न फरमान बनायो आ उन्हन जिंदान पहजो प्यारो पाकिस्तान उन्हीं जे लाए तैयारी में आहे चो तरफ तूफान जो चढ़ंदो आसमानन ते त पाकिस्तान जिंदाबाद। बाबा सिंध हैदरबख्श जतोई सारी सब जमार हारन ले जा खुड़ियो अज भी जडे बाबा सिंध हैदरबख्श जतोई जो लिखणियों नजरन में गुजरन थियो तो यो एहसास जागी पवे तो केडो अमल इंसान हो जह न सिर्फ हारन ले जा खुड़ियो पर सिंध वासन लाए भी जा खुड़ियो। सदर अयूब जे आमराने दौर में सिंध हारी कमेटी जो तारीखी पधरनामो जारी कयो वियो जैमें बुनियादी हकूक के उनवान हेठ लिखो वो हुकूमत जो निज़ाम जमहूरी असूलन से हलो वे आमरीत के हर असर के ख़त्म किया वे। कौमी असेंबली जहाँ इलाकई असेंबली नुमाइंदा सदर ममलकत सीधी तरह आम बालिग राय के बुनियाद से चूंडिया वन आवाम के नुमाइंद में वजारतू टाई वन हुकूमत के तमाम ताकत ए फैसला बजट के इख्तियार समेत उनके हथ में हुजन। वन यूनिट के टोड़े सिंध बलूचिस्तान सरहद पंजाब की सूबई हैसियत के वरी कायम किया वे। कश्मीर लाइ भी उ वायदो दिनों वे पूरो कयो वे। सब सरकारी जमीनों बेजमीन हारिन के मुकरर मुनासिब मालकानी हकन सा आसान किस्तन ते बिना व्याज दिनों वन उन जमीन जो आम नीलाम कते बंद कयो वे। सखर बैराज कोटड़ी बैराज गुडू बैराज के जमीन ते मुहागदार खास मोकल के हकन वारन नौबत जब्त दरिया खोर्दी वारन जा हक सख्ती सा महफूज रखा वन जमीनू नीलाम न क्यों वन। मखी डंड जो जमीनू मकामी हारिन के डिनू वन उन्हें कें भी हालत में बेदखल न कयो वे। जिन हारिन का जमीनू खसियों व्यून उन वापस डिनू वन उमदियों जमीनू अमलदार के नीलाम रस्ते ए मुख्तलिफ़ स्कीम के नमूने बहाने से सरमाएदार के डिनू वन थियं सादियों बचल जमीनू हारिन के आछू वन थियं। उ गलत पॉलिसी है पे हक उमदन जमीन के मकानी हारिन जो तस्लीम किया वे। लाड़ खारे छाण में जिन खातेदार जो जमीनू कोटड़ी बैराज निकरण सबब आबादी का खारिज थी व्यून उन खातेदार के एवजे में सुठियों आबादी लायक जमीनू डिनू वन। जिन मकामी ए मुहाजर अलाटी हारिन के जमीनू खसियों व्यू आन उन सरकारी जमीनू डेई विरसायो वे उन्हें जो हक बिन हारिन का मथे रखो वे। हिंसर वीह साल अराटी हारिन का जोरी लेस मनी वसूल कई वे थी जो बिल्कुल जुलम है। घणन हालत में
तपेदारन बर वक्त वसूली कई हुई ऐं केतरन हालकन हालतन में मकामी ज़िमीदार ने कामरन गरजी हिंदन जो हिस्सो गरजी खयो हो ऐं हारन खे रुगो हार पर नसीब थी हुई। लेसमनी जी वसूली बंद कई वञे ऐं हिसाब तां लाहे छॾे। हीअ असीं अमां जी ख़िदमत में पेश करे रहियासीं पधरनामे जे मतन मां चूंड वर्क। अवी ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अवां जी ख़िदमत में बाबा सिंध कामरेड हैदरबख्श जतो जी वर्सी ते ख़ासि प्रोग्राम पेश करे रहिया आहियूं। जीअं त अवीं भली भित ॼाणो था त असीं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन तां सिंध जे अमल इंसाननि खे भेटाउनि जा गुलाब छींदा आहियूं। उन सां गॾोगॾु असीं अवां जी ख़िदमत में उहे प्रोग्राम पेश कंदा आहियूं जिन में सजा जा सॾु हूंदा आहिनि, जिन में तारीख़ जा अमल वर्क हूंदा आहिनि। असीं चाहियूं था ही सफ़र सफलता माणे सघे, जंहिं लाइ असांखे अवां जे साथ ऐं सहकार जी ज़रूरत आहे। अचो इन सफ़र में हम कदम बणिजो। असांजे प्रोग्राम वध में वध दोस्तनि ताईं पहुचायो त जीअं सुजाॻ जा ही सॾु सॼी दुनिया ताईं पहुची सघनि। बाबा सिंध हैदराबाद जतोई खे भेटा पेश कंदे ग्यूर जतोई लिखियो, बाबा सिंध हैदराबाद जतोई असां खां 21 मई ते जुदा थी वियो। बाबा सिंध जी जुदाई जो ख़्याल अॼु ॾींहं ताईं न भरियो आहे। सिंध जी ग़ुलामी जे ॾींहनि खां वठी वन यूनिट जे पंजोड़ मां आज़ादु कराइण लाइ क़ुर्बानीूं ॾींदड़ आशिक़ सिंध हैदराबाद जतोई हो। कामरेड जतोई सिंध खे ग़ुलामी जे ज़ंजीरनि मां आज़ादु कराइण लाइ तकरीर ख़्वाह तहरीर नज़म नसर ऐं शायरी में काहींदो रहियो। हैदराबख्श सिंध जी आज़ादी लाइ वॾे वाके चवंदो रहियो, विकी जंहिं सिंध तंहिं ते लानत विझे थो जग सारो तंहिं ते लानत। अहिड़ी रीत जीअं सिंध सदायात नारे खे हैदराबख्श जतोई तख़ली कयो, उन नारे खे पाकिस्तान दुश्मनी चई दॿायो वियो। जॾहिं उन नारे खे सिंध नौजवाननि सम्झो त उहो क़ौमी नारो बणिजी वियो। हैदराबख्श जतोई जॾहिं शिकवा शहर छपरायो उन दौर में मुस्लिम लीग त न हुई, पर उन जी ज़हनियत जा माण्हू हुआ। उन्हनि में मुलनि जी अक्सरियत हुई। मुलनि हैदराबाद में जलसो कढियो जंहिंमें हुननि फतवा ॾिनी त किताब ते पाबंदी विधी वञे ऐं लेखक जो सिर कलम कयो वञे। कमिश्नर हैदराबाद कामरेड खे घुरायो जेको अंग्रेज़ हो, तंहिं खेसि चयो त बाबा इहो किताब तोखे छपराइणो हो, हाणे उहो वापसि वठ। हुन कामरेड खे लेक्चर ॾियणु शुरू कयो। जतोई साहब चयसि त हिकु अंग्रेज़ जे वाता उहे लफ़्ज़ ॿुधने मूंखे अफ़सोस थो थिए, छो त तव्हां अकल ऐं समुझ जा क़ाइल आहियो। तव्हां मुलनि सां गॾिजी मूंखे दॿाए रहिया आहियो त मूंखे ईअं लिखणु न खपंदो हो। मूं जेको लिखियो आहे उहो अकल खां बईद थी न लिखियो आहे। उन अलाह जी बेइज़ती नाहे। जेके माण्हू कमज़रफ़ आहिनि उहे ईअं सम्झनि था। उन मसइले उभारण में राशिदी बिरादरान जो हथ हो। उन्हनि साॻियुनि मुलनि हिकु जलसो कयो जंहिंमें मीरान मोहम्मद शाह जेको सिंधी असेंबली जो स्पीकर हो उन बि हिसो वरितो। यादि रखणु खपे त उन वक़्तु सिंध बम्बई सां गॾियल हुई, तंहिं करे हिते आफ़िसर अंग्रेज़ हिंदू मराठा ऐं ॿिया हूंदा हुआ। उन्हनि मां को बि कामरेड जतोई जी मदे मुक़ाबिल न हो। आख़िर में उहो मेड़ टिखड़ में थियो जिते कामरेड खे चवणो पियो त उहो किताब मां वरी न छपराईंदुसि। जहिड़ी तरह इक़बाल बि शिकवा लिखियो ऐं वरी माफ़ी नामे में जवाब शिकवा बि लिखियाई। उन ते बि फतवा साबित थी, पर हिन फतवा खां बचण लाइ जवाब शिकवा लिखियो हो। कामरेड हैदराबाद जतोई जी चवणी हुई त मूं हिकु इंसान जी हैसियत सां शिकायत कई ऐं इक़बाल मुस्लमान जी हैसियत सां। उन्हनि ॿिन्ही में ख़ासो फ़र्क़ु आहे। कामरेड पंहिंजी शायरी लाइ चवंदो हो त मुंहिंजी शायरी खे सम्झो न वियो आहे, मूंखे सुञातो न वियो आहे। हिन इर्तिकाई दौर में बि कामरेड जी शायरी सां इंसाफ़ु थी न सघियो आहे, जेतिरो शऊर मुताबिक़ थियणु खपंदो हो। इंसान खे शिकायत करण जो हक़ु आहे, उन में ख़ुदा जी बेइज़ती न आहे। तव्हां ॾिसंदो त बाइबल मुक़दस में केतिरनि ई नबियनि जे मथां मुसीबतूं आयूं आहिनि, उहे शिकायत कनि था त तव्हां असां सां हीअ वाइदो कयो। असांजी हीअ हालति थी आहे। जतोई साहब खे उन शिकवा लिखण सां एतिरी शोहरत मिली जंहिंजे नतीजे में हूअ इलेक्शन में पिण बीठो। बाबा सिंध नौकरी दौरान कुझु पंफलेट लिखिया ऐं छपराया। 1930 में शिकवा ऐं तफ़े सिंध छपरायो। जतोई साहब चयो त मां ही शहर दोस्तनि आॾो पेश करियां थो, लेकिन भायां थो त घणनि खे पसंदि न ईंदा, बल्कि दोस्त बि दुश्मन थी पवंदा। पर अजीब न आहे। हिकु हंधि शिकवा में लिखे थो
तुझे दफ्तर ज सभी वर्क कहीं कीन पढ़िया, कहीं कारा कहीं अच्छा कहीं रंगीन पढ़िया, के सिख्या कुफर हिताएं के हिता दीन पढ़िया, के न फक्त तिनमा मोहब्बत जे मुफामीन पढ़िया, जेको जह वर्क ॾिठो तंहिं में उहो गर्क थियो, उमिरि पूरी थी वई पूरो न हिकु वर्क थियो। बाबा सिंध इंसान सां नफ़रत करणु न ॼाणंदो हो, हैदराबाद जतो ई कॾहिं बि मुसलत खां कमु न वरितो, संसद प्रोग्राम कंहिंखां बि लिकियलु न हो। कामरेड हिकु तरफ़ तरक़ी पसंद अदबी रुझाननि जो मोहरक ऐं तबक़ाती जदोजहद जो पायो विझंदड़ हो, त ॿिए तरफ़ सिंध में क़ौमी आज़ादी जी तहरीक जो अलम बरदार पिणु हो। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बाबाए सिंध हैदराबाद जे जतोई जे विछोड़े ते चवे थो, जतोई साहब हिकु सचो मुहब वतन ऐं ग़रीबनि जो हमदर्द इंसान हो। हूअ सॼी उमिरि हारियुनि जे हक़नि लाइ विढ़ंदो रहियो। जंग आज़ादी में पिणु संस ख़िदमतनि जो निमाया दख़ल आहे। संस वफ़ात सां वॾो क़ौमी नुक़सानु थियो आहे, जंहिंजी तलाफ़ी निहायत मुश्किल आहे। दुआ आहे त ख़ुदा खेसि जन्नत में जाए अता करें। नामियारे शायर मखदूम मोहम्मद जमा तालबल मौला लिखियो, मखदूम अब्दुर्रहीम जे चवण मूजिब मर्द मरण कीन की मरण मर्दूदा। फितर जे असूल मूजिब शख़्स मरी वञे थो, लेकिन शख़्सियत ज़िंदा रहे थी। जतोई साहब पंहिंजे बेलोस ख़िदमत अज़ीम क़ौमी क़ुर्बानी करे सदा हयात आहे। खान अब्दुल वली खान लिखियो, असां क़ौमी जदोजहद जे हिकु बहादुर बेबाक मुख़लिस अॻवान खां महरूम थिया आहियूं। हू ग़रीब सिंधियुनि जो तर्जुमान हो। हुनजी वफ़ा सां रोशन कयल शमा न विसामंदी। नामियारे शाइर अदल सुमरे लिखियो, हुन हुयो महबूब हारियुनि जे करे इश्क में सरकार जो उहिदो छॾियो, सिंध जी हुनखे फ़क़ीरी हुई वणी, हुन थुॾे हर मोतबर रुतबो छॾियो। इन्हीअ ते ई अॼोके प्रोग्राम जा समूरा रंग हवाउनि में विखरी चुका। पंहिंजे मेज़बान हबीब लगारी खे इन साॻी दुआ सां ॾींदा इजाज़त। वसे भिट तुंहिंजी भलारा सदा सदा, देस परदेस सारा वसन, कॾहिं सिंध सिंजी न मेरी थिए, कॾहिं मूड़ कंहिंजा न मुरझाए अचनि। दुनिया जा सिंधियो एक मुठ थी सिंध बचायो। सिंध जो कौमी आवाज रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पांजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक्तिसादियात, तारीख, कौमी उमंगुन ऐं इख़लाक़ियात मुतालिक सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरन ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबन, दानिश्वरन, सहाफ़ियुनि, उस्तादन, वकीलन ऐं हर तबके जे मानवारन सजनन खे सिंध में शौरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़िन ऐं संतन वारी सिंध जो ओज हिकु मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिकु नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर, ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं खुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सतावो थिए।